कराची लाहौर समेत पंजाब सिंध के बेशतर अजला में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी सुबह 7:30 बजे से मुअत्तल। बलोचिस्तान के तमाम अजला में भी बिजली की फरहमी बंद। जराए के मुताबिक गुड्डू मुजफ्फरगढ़ जामशोरो पावर प्लांट बंद। फ्यूज की बंदिश से आइसको लैसको पैसको के इलेक्ट्रिक मुतासर पावर डिवीजन में बिजली के तातुल पर मुसलसल निगरानी जारी है। वजारत तवानाई के मुताबिक आइसको के महदूद इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। वार्षिक से ग्रिड स्टेशन की बहाली का आगाज कर दिया गया है। वजीर तवानाई का मुल्क में बिजली की बंदिश को बड़ा फॉल्ट मानने से इनकार। कहा कोई बड़ा ब्रेकडाउन नहीं। सुबह 7 बजे के करीब जब एक एक करके सिस्टम को ऑन किया जा रहा था तो उस दौरान जामशोरों और दादू के दरमियान फ्रीक्वेंसी की वजह से बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। उम्मीद है 12 घंटों में मुल्क भर में बिजली मुकम्मल बहाल हो जाएगी। पार्लियामेंट हाउस की इमारत में शॉर्ट सर्किट का खतरा। सेनेट का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। हसास बिजली और ऑडियो वीडियो आलात के तार कुतरे हुए पाए गए। इमारत को जुमेरात तक बंद रखने का फैसला। सेनेट सेक्रेटरी के मुताबिक एहतियाती तौर पर तमाम बिल्डिंग का मुआयना किया जाएगा। मोहसिन रजा नकवी ने बतौर निगरान वजीर आला पंजाब हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने के बाद निगरान वजीर आला पंजाब की गवर्नर बलीगुर रहमान से मुलाकात। सूबे के उमूर को खुश असलूबी से चलाने पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आला पंजाब के लिए मोहसिन नकवी की तकर्री मुस्तरद कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी ऐलान किया। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा प्लान बेनकाब करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्ली बार्गिन करने वाला पब्लिक होल्डर नहीं हो सकता। नून लीग की अपने एम्पायर के साथ मिलाने की तारीख है। इस्लामाबाद में प्रिंस रोड के करीब फायरिंग से एक शख्स कत्ल। 5 गोलियां मारी गईं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। और ANF की मुल्क भर में मनुष्यात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। 7 मुलजिमान गिरफ्तार। तुरखान बॉर्डर से भारतीय साख्ता 17,500 से जायद नशावर गोलियां बरामद। इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा के करीब कार से 120 किलो अफ्यून बरामद। कराची लाहौर सियालकोट दीगर शहरों से भी मनुष्यात कब्जे में ली गई है।